हेलो स्टूडेंट्स, असी अपने प्रीवियस लेक्चर दे विच पॉलीनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीनेशन डिस्कस किया सी एंड टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन किड़े हैं? टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन, एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन एंड सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन। Now we will discuss abiotic agents of pollination, wind and water are abiotic agents which bring about pollination, and biotic agents se which are there animals, they are known as biotic agents of pollination. Pollination by wind is also known as anemophily. स्टूडेंट्स ये वाले टर्म्स दे ध्यान देना है क्योंकि इस तरह आ सकता है क्वेश्चन। पॉलीनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफाइली एंड पॉलीनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफाइली। एंड पॉलीनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज जूफाइली। Only a small proportion of plants they use abiotic agents. थोड़े ही plants होंगे हैं, small proportion of plants जिन्हों के बीच wind and water के नाल pollination होंगी है। And it is the chance factor in both wind and water की pollens जड़े है they are coming in contact with the stigma. Chance हैगा या कि विंड और वाटर दे नाल जिहड़े पोलन्स हैगे आ ओ स्टिग्मा तक पहुंच जाणगे कि नहीं पहुंचणगे। ते ए जिहड़े टू कंपनसेट दिस अनसर्टेनिटी एंड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स द प्लांट्स हैव टू प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ पोलन्स। हुण ए चांस ऑफ मैटर हैगा या कि पोलन्स जिहड़े आ विंड और वाटर दे नाल स्टिग्मा तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ते इस लॉस नूं पूरा करन दे लई प्लांट्स की करदे आ ओ ज्यादा अमाउंट दे विच पोलन्स ग्रेन्स जिहड़े आ ओ प्रोड्यूस करदे आ। एंड पॉलीनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। विंड पॉलीनेशन जिहड़ी इट इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासिस, जिहड़े ग्रास हुंदे आ घाह हुंदे आ उहनां दे विच विंड दे नाल पॉलीनेशन हुंदी है। सो सब तों पहलां असीं करांगे टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलीनेटेड फ्लावर्स। Characteristics of wind pollinated flowers. जेड़े flowers दे विच wind नाल pollination हुंदी है उना flowers दे की characteristics की गुण हुंदे है तुसी अपनी copies दे विच note down कर सकते हो कि उना flowers दे कोई bright color नहीं हुंदा, no special order, no they don't produce nectar and flowers जेड़े आ they are small in size. पोलन्स उना दे लाइट हुंदे है, स्मूथ हुंदे है, नॉन स्टिकी हुंदे हैगे आ, ताकि ओ आसानी दे नाल विंड करंट्स दे नाल इक जगह तो दूजी जगह ते ट्रांसपोर्ट हो सकन। और उना दे जेड़े स्टेमन्स हैगे आ दे आर वेल एक्सपोज्ड सो दैट पोलन्स कैन बी इजीली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट्स। और उना दे जेड़े स्टिग्मा हुंदे आ ओ फैदरी हुंदे आ ताकि ओ इजीली जेड़े पोलन ग्रेन्स हैगे उना नूं ट्रैप कर सकन। मैं फिर दोबारा विंड पॉलीनेटेड फ्लावर्स दे करैक्टरिस्टिक्स जेड़े आ ओ तुहानू दस रही हां। स्टूडेंट्स तुसी अपनी कॉपीज दे विच नोट डाउन कर सकदे हो जेड़े विंड पॉलीनेटेड फ्लावर्स हुंदे आ उहनां दे की करैक्टरिस्टिक्स हुंदे आ। ओ फ्लावर्स जेड़े आ दे आर स्मॉल इन साइज, सैकेंड नो ब्राइट कलर, थर्ड दे डोंट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, नो स्पेशल ऑर्डर, कोई उन्हों का फ्रेगरेंस स्मेल नहीं होंगी है,
क्योंकि कलर और जड़ी फ्रेगरेंस है या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ओनली टू अट्रैक्ट द इनसेक्ट्स पर इहदे विच तां पोलीनेशन विंड दे नाल हो रही है सो ना उन्होंने ब्राइट कलर की जरूरत है ना उन्होंने फ्रेगरेंस की जरूरत है ना उन्होंने नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत हैगी है उस तो बाद नेक्स्ट इहदे विच पॉइंट लिख सकते हो कि जेडे पोलन प्रोड्यूस होंगे विंड पोलीनेटेड फ्लावर्स दे विच वो लाइट होंगे या स्मूथ होंगे है और नॉन स्टिकी होंगे है ताकि वह ईजीली जड़े है विंड करंट्स के नाल एक जगह तो दूसरी जगह से ले जाए जा सकन और उन्होंने जड़े स्टेमन्स है दे आर वेल एक्सपोज ताकि दे कैन बी ईजीली डिस्पर्स इन टू द सो दैट देयर पोलन्स कैन बी ईजीली डिस्पर्स इन टू द विंड करंट्स और उन्होंने जड़े स्टिगमा होंगे दे आर फैदरी फैदर लाइक होंगे ताकि ईजीली जड़े पोलन ग्रेन्स है वह उन्होंने जाके ट्रैप हो जाए सो स्टूडेंट्स ए विंड पोलीनेटेड फ्लावर्स जेडे उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट साडा आ गया पोलीनेशन बाय वॉटर इज नोन एज हाइड्रोफाइली सो तुसी वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स दे करैक्टरिस्टिक्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स जिस तरह से विंड पोलीनेटेड फ्लावर्स दे करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं उसी तरह ही वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स दे करैक्टरिस्टिक्स की है कि दे आर नॉट कलरफुल वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स भी कलरफुल नहीं होंगे क्योंकि दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट द इनसेक्ट्स उन्होंने इनसेक्ट्स नू अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉटर ने पोलीनेशन कर देनी है और मोस्टली जो वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स होंगे दे आर वाइट इन कलर सैकेंड है कि दे डोंट प्रोड्यूस एनी नैक्टर एंड नॉट दे आर नॉट फ्रेगरेंट फ्लावर्स उन्होंने कोई स्मेल नहीं होंगी है दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स दे विच लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ज्यादातर जो पोलन्स है दे आर लॉस्ड बाय फ्लो ऑफ वॉटर वॉटर दे फ्लो दे नाल ज्यादातर पोलन्स जो लॉस्ड हो जाते हैं उस लॉस नू कंपनसेट करने दे लई जो वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स है ज्यादा जो पोलन ग्रेन्स है प्रोड्यूस करते हैं इन्हों के जो स्टिगमा होंगे लार्ज होंगे फैदरी होंगे है ताकि जो वॉटर करंट के पोलन्स आ रहे उन्होंने ट्रैक कर सकन और इन्हों के स्टॉक्स जड़े है लोंग होंगे ताकि जो स्टिगमा है वह वॉटर करंट के वॉटर सरफेस जड़ा है ओदे अबव रवे स्टॉक्स आर वेरी लोंग टू प्रोजेक्ट देयर स्टिगमा अबव द वॉटर सरफेस मेल फ्लावर्स जड़े होंगे दे आफ्टर मैचुरेशन जो मेल फ्लावर्स मेच्योर हो जाते हैं दे गैट डिटैच फ्रॉम द प्लांट प्लांट नालों डिटैच हो जाते हैं टूट जाते हैं एंड दे फ्लोट अबव द वॉटर सरफेस के उपर ये फ्लोट तैरना शुरू कर देंगे इन्हों के पोलन्स जड़े उन्हों के उत्ते म्यूसीलेजनस जड़ी कवरिंग हैगी है वह चढ़ी होंगी है ताकि ये वैट होने तो गिले होने तो जो पोलन्स है वो बचे रह वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स जड़े आ उन्हां दी एग्जाम्पल्स हैगियां आ वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला बोथ आर वॉटर पोलीनेटेड फ्लावर्स ते जड़े वैलिसनेरिया होंगे उन्हां दे विच की हुंदा है कि जड़े फीमेल फ्लावर्स हैगे आ ओ दे रीच टू द सरफेस ऑफ द वॉटर बाय लोंग स्टॉक फीमेल फ्लावर्स की स्टॉक जी डंडी और लंबी होंगी है ये वॉटर सरफेस के उपर तक पहुंच जाते हैं एंड मेल फ्लावर और पोलन्स जी दे आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर एंड वॉटर करंट्स के नाल फीमेल दे फ्लावर के स्टिगमा तक पहुंच जाते हैं उ पोलीनेशन होंगी है तो बेटे बुक के पेज नंबर 30 के वैलिसनेरिया का डायग्राम है पर मैं तुहानू एक डायग्राम होर ड्रॉ करन जा रही हैगी हां उस डायग्राम तो तुहानू जिहड़ा ज्यादा हैगा या वो क्लीयर हो जाएगा वैलिसनेरिया का डायग्राम तुसी इस तरह दो बना सकते हो प्लांट्स वैलिसनेरिया दे रिबन लाइक लीव्स बना लो एक जिहड़ा प्लांट हैगा
मेल फ्लावर लगे हुए हैं या दिस फ्लावर इज मेल फ्लावर की किसी तरह तुसी दूसरा फ्लावर प्लान ड्रॉ कर लो फीमेल प्लांट वैलिसन एरिया का तुसी ड्रॉ कर लो जिन्हों फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं और ये तुसी लाइन ड्रॉ कर ली कि वाटर सरफेस है और फीमेल फ्लावर जड़ा है गाया ओदी तुसी इस तरह लॉन्ग स्टॉक बना लेनी है और फीमेल फ्लावर जड़ा है उनु तुसी वाटर सरफेस तो ऊपर जड़ा है वो शो कर देना दिस इज फीमेल फ्लावर ऑफ वैलिसनेरिया ते ये मेल फ्लावर है एदे पोलन्स जड़े है वो वाटर सरफेस ते पहुंच के वाटर करंट दे नाल ही फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे ते इस तरह जड़ी है पॉलिनेशन है वाटर पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन बाय वाटर टेक्स प्लेस इसी तरह ही जड़े सी ग्रासेस होंदे है उना दे विच की हुंदा है कि जड़ा फीमेल फ्लावर हैगा या वाटर दे विच सबमर्ज हुंदा हैगा या और जेडे पोलन्स आर दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर एंड सम रीच द स्टिग्मा एंड ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन सो स्टूडेंट्स जिन्ने भी सारे नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन जिन्ने भी एक्वेटिक प्लांट्स है पानी दे विच प्लांट्स है जरूरी नहीं कि उना दे विच वाटर दे नाल ही पॉलिनेशन होवे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हुंदे है जिवे वाटर हाइसिंथ जल कुंभी जिन्हों से पैरा रॉक बंगाल कहते हैं फर्स्ट चैप्टर च डिस्कस किया सीगा एंड वाटर लिली ये दो एक्वेटिक प्लांट्स है जिन्हों विच पॉलीनेशन जड़ी है वाटर दे नाल नहीं हुंदी है इन्हों दे विच की हुंदा या पॉलीनेशन बाय इंसेक्ट और विंड आई होप स्टूडेंट्स तुहानू इत्थे तक क्लीयर हो गया होगा कि एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन दो हुंदे आ एबायोटिक एजेंट्स विच असी विंड और वाटर हैगी है एबायोटिक एजेंट्स पॉलीनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफाइली एंड पॉलीनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफाइली दोनों टर्म्स बेटे ध्यान दे नाल करनी है क्वेश्चन आ सकता हैगा ये वाला और विंड पॉलीनेटेड फ्लावर्स दे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वाटर पॉलीनेटेड फ्लावर्स दे असी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किते ए डायग्राम है वैलिसनेरिया दा मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दा बनाया है मेल प्लांट नू मेल फ्लावर है फीमेल प्लांट नू फीमेल फ्लावर लग्या है फीमेल फ्लावर दी लॉन्ग स्टॉक हुंदी है ए वाटर दे सरफेस तो ऊपर हुंदा है और मेल फ्लावर्स दे विचो दी पोलन्स जड़ी है वाटर करंट दे नाल फीमेल फ्लावर तक पहुंच जांदे है एंड ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन हुन जरूरी नहीं हैगा या कि सारे एक्वेटिक जड़े प्लांट्स हैगे या पानी दे विच हुंदे प्लांट्स उना दे विच वाटर नाल ही पॉलीनेशन हुंदी है कुछ प्लांट्स है जिवें वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ए एक्वेटिक प्लांट्स ही है पर इना दे विच विंड या इंसेक्ट्स दे नाल पॉलीनेशन हुंदी है सो असी हुन अपना नेक्स्ट टॉपिक लवांगे पॉलीनेशन बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन दे विच असी क्या सेगा कि जड़े एनिमल्स हैगे एनिमल्स आर बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन एंड पॉलीनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज ज़ूफाइली पॉलीनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज ज़ूफाइली और केड़े केड़े हैगे एनिमल्स जिमे बीज है बटरफ्लाईज फ्लाइज बीटल्स वास्प एंट्स मॉस ये सारे की है इंसेक्ट्स है दीज ऑल आर इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफाइली स्टूडेंट ये टर्म भी तुसी नोट कर लो पॉलीनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफाइली जदों इंसेक्ट्स पॉलीनेशन दे
करते हैं उस टर्म उसनु असीं की कहिंदे एंटोमोफाइली और केड़े-केड़े इनसेक्ट्स हैगे जिहड़े पोलीनेशन करते हैं बीज बटरफ्लाई फ्लाइज बीटल वास्प एंट्स एंड मॉस जिहड़े बीज हैगे हैं दे आर द डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलीनेशन ज्यादातर पोलीनेशन इन्हां द्वारा हुंदी है उस तो बाद एनिमल्स दे विच आ गया बर्ड्स बर्ड्स जदों पोलीनेशन करदे ओहदे लई असीं टर्म यूज करते हैं ऑर्निथोफाइली वेन बर्ड्स ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन या पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफाइली एंड पॉलिनेशन बाय बैट चमगादड़ उन्हां दे नाल जदों पॉलिनेशन हुंदी है ओहदे लई असीं टर्म यूज करते हैं चिरेक्टो चिरोप्टेरोफाइली पॉलिनेशन बाय बैट्स इज नोन एज चिरोप्टेरोफाइली सो स्टूडेंट्स ये मैं तुहानू पांच टर्म्स लिखाईयां आ ये जरूर अपनी कॉपीज दे विच नोट डाउन कर लो पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफाइली पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफाइली एंड पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज ज़ूफाइली हुण केड़े एनिमल्स जे इनसेक्ट्स पॉलिनेशन करन तो पॉलिनेशन बाय इनसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफाइली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफाइली पॉलिनेशन बाय बैट्स इज नोन एज चिरोप्टेरोफाइली एंड बीज जेड़े दे आर द डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन सो असी नेक्स्ट असी करांगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स नेक्स्ट साडा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एनुआ असी कीता सीगा कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे की करैक्टरिस्टिक्स हुंदे आ देन वी डिस्कस्ड अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स नाउ वी विल डिस्कस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हुण इंसेक्ट्स ने पॉलिनेशन करनी है ते फ्लावर जिहड़ा हैगा आ जे ओहदा फ्लावर्स जिहड़े हैगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे आर लार्ज वड्डे हुंदे आ दे आर कलरफुल ब्राइटली कलर्ड उन्हां दीआं पैटल्स ब्राइटली कलर्ड हुंदीआं ताकि ओह इंसेक्ट्स नूं अट्रैक्ट कर सकन दे आर फ्रेगरेंट उन्हां दी बहुत स्मेल हुंदी है दे आर रिच इन नेक्टर हुंदा आ एंड जिहड़े पोलन्स हुंदे आ प्रोड्यूस दे आर स्टिकी ताकि जदों इंसेक्ट आया ते ओह ओहदे बॉडी दे नाल स्टिक कर जां तां ही फिर जदों इंसेक्ट दूसरे या उसी फ्लावर दे स्टिग्मा या दूसरे फ्लावर दे स्टिग्मा ते जाएगा तां ओहदी बॉडी दे नाल जिहड़े स्टिक होए पोलन्स हैगे आ ओह ओथे स्टिग्मा ते ओह ट्रांसफर कर देगा सो एनिमल्स जिहड़ी हैगी आ दे आर अट्रैक्टिव बाय द कलर एंड और फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर ते एनिमल्स टू सस्टेन द एनिमल विजिट फ्लावर्स जिहड़े आ दे हैव टू बी प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल्स उनकी फ्लावर्स जिहड़े आ उन्हां नूं इंसेक्ट्स नूं रिवार्ड देना पएगा ताकि उन्हां नूं लालच इक तरह दा कि हां ओह फ्लावर ते विजिट करन कि असी फ्लावर जिहड़ा हैगा उन्हां नूं नेक्टर दे रूप विच रिवार्ड देवेगा या पोलन्स उन्हां नूं देगा ते बदले दे विच इंसेक्ट्स की करनगे दे ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन नेक्टर एंड पोलन्स जिहड़े आ दे आर द रिवार्ड और इन्हां रिवार्ड्स नूं लैण दे लई जिहड़े एनिमल्स हैगे आ दे विजिट द फ्लावर फिर ओह उस फ्लावर दे पोलन्स दे एंथर दे कॉन्टैक्ट विच आउणगे पोलन्स ओहदी बॉडी ते स्टिक करनगे फिर जदों इनसेक्ट्स जिहड़े हैगे ओह स्टिग्मा दे कॉन्टैक्ट विच आउणगे ते ओह उत्थे पोलन्स ट्रांसफर कर देणगे ते उस तों बाद हैगा आ कि ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਲੋਰਲ ਰਿਵਾਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਲਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਐਗ ਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਕਿਸੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਲਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਟਿਗਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੋ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਏ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟਿਕ। ਏ ਬਾਇਓਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਵਿੰਡ ਪੋਲੀਨੇਟਿਡ ਫਲਾਵਰਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲੀਨੇਟਿਡ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਕੈਰੇਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਟਿਕ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਐਨੀਮਲਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜ਼ੂਫਾਈਲੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟੋਮੋਫਾਈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਬਰਡਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਔਰਨੀਥੋਫਾਈਲੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਬੈਟਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਚੀਰੋਪਟੈਰੋਫਾਈਲੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੀ ਸੇਫ।